एक छोटा सा ड्रोन बड़ी बड़ी बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहा है। इस तरह की तस्वीरें इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग से आ रही हैं। ये कमर्शियल ड्रोन हैं, जो आसानी से किसी भी स्टोर पर मिल जाते हैं। इन्हें हमास ने एक घातक हथियार में तब्दील कर दिया है। इसराइल पर हमलों में हमास ने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया, उससे मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए हैं। दरअसल शनिवार को जब हमास ने इसराइल पर आतंकी हमले किए, तो उसने छोटे बमों से लैस कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल किया। हमास के लड़ाकों ने बुलडोजरों से सीमा को तहस नहस कर दिया। इसराइल के वॉच टावर्स पर हमले के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इजरायली वॉच टावर किनारों से कवर किए गए हैं, लेकिन उनमें छत नहीं है। ड्रोन से गिराए गए बम सीधे गनर की सीट पर गिरे, जिससे इसराइल की बॉर्डर डिफेंस की फर्स्ट लाइन तबाह हो गई और हमास के लड़ाके आसानी से इजरायली सीमा में घुस गए। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी से घातक हथियारों से लैस लड़ाकों को इसराइल में घुसाने के लिए पावर ग्लाइडर का इस्तेमाल किया गया था। कमर्शियल ड्रोन तो पड़ोस के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर भी आसानी से मिल जाते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स भी इनका इस्तेमाल रील बनाने के लिए करते हैं। इन कमर्शियल ड्रोन को आतंकियों की ओर से अब हथियारों से लैस किया जा रहा है। पहली बार इस तरह का प्रयोग यूक्रेन में देखा गया था। ये जुगाड़ बड़ा प्रभावशाली साबित हुआ था। अब हमास द्वारा इनके इस्तेमाल ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स की चिंता इसलिए बढ़ा दी है, क्योंकि इस तरह के हमले विद्रोही और आतंकवादी गुट कहीं भी दोहरा सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकार अब ड्रोन से पैदा हो रहे खतरे को लेकर सचेत हो रहे हैं। कई देशों ने ड्रोन के कंट्रोल को असक्षम करने या ओवरराइड करने के लिए जैमर जैसी एंटी ड्रोन टेक्निक में भी निवेश किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।